ओके दिस इज द ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। ये बॉइल्ड पीस, उत्तपम, बॉइल्ड एग, ये एक सेवैया टाइप का कुछ है, इडली, वड़ा एंड चटनी। सो दिस इज आवर ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। ब्रेड भी था, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी थे, बट हमें लगा कि यहाँ पर आए हैं तो यहाँ का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट ही लेंगे, इसीलिए हमने नहीं लिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज हम जहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वहाँ के सामने ये ब्यूटिफुल व्यू है, सो वी कैन एक्चुअली एंजॉय दिस व्यू एंड हैव दिस ब्रेकफास्ट। एंड दिस इज टी। ये हमारा होटल जो सीधे खुलता है वास्ट वास्ट ओशन पे। दिस इज द लास्ट डे टुडे, वी आर गोइंग टू पांडिचेरी एंड फील के पांडिचेरी में शायद कुछ और ही अच्छा मिल जाए, और वो टेंपल जिस टेंपल में हम कल गए थे वो वाला टेंपल। और वी बिन अभी 2 घंटे से हम ट्रैवल कर रहे थे एंड वी हैव जस्ट एंटर्ड पांडिचेरी और काफी भीड़ है यहाँ पे, वी हैव नॉट रीच द होटल येट। एंड सो या वी जस्ट सॉ व्हाट वी हैड फॉर ब्रेकफास्ट, और हाँ वी आर ऑन महात्मा गांधी रोड राइट नाउ। तो होटल पहुँचते हैं और फिर होटल पहुँच के आई गिव यू अ क्विक रूम टूर होटल का एंड देन वी मूव टू साइट सीइंग। हेलो हेलो, सो वी आर इन आवर रूम्स राइट नाउ, फाइनली वी गॉट इन, इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट जॉब टू गेट इट क्योंकि सारे के सारे रूम्स जो थे मैंने देखे, यहाँ के जो होटल्स हैं जो बिल्डिंग्स हैं काफी पुराने टाइप के हैं तो रूम्स मुझे पसंद नहीं हो रहे थे। फाइनली वी गॉट वन जिसका रूम का कलर मुझे काफी पसंद है, द पिंक वॉल एंड देन वी हैव दिस पर्पलिश वॉल, तो ये मुझे अच्छा लगा। आई गॉट दिस एक्स्ट्रा, सो दिस इज अ 3 बेडरूम, सो दिस इज अ 3 बेड का रूम जिसमें मेरी नानी और 2 मासी रहेंगे, मेरी मॉम और मेरी माँ दूसरे वाले रूम में रहेंगे, विच इज द सेम, विच इज अ सिमिलर काइंड ऑफ रूम, बट क्या कहते हैं उसको, मतलब उसमें बेड ऐसे एक्स्ट्रा बेड नहीं है, सिर्फ डबल बेड है। So that's it, and they have this extra mattress. ये एक्स्ट्रा मैट्रेस इसलिए है कि अगर हम लोगों को बैठ के कपड़े मारने हो तो हम उसे बैठेंगे, बट हम मारेंगे नहीं बिकॉज हम लोग बेड पे ही बैठ के करेंगे जो भी करेंगे, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू शूट ऑफ एंड गो फॉर साइट सीइंग। सो गाइज अभी हम आ गए हैं पांडिचेरी के म्यूजियम में, लेकिन म्यूजियम के अंदर हमको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम बस बाहर का ही, बाहर में जो शो है वही दिखा सकते हैं। ये देखिए, दिस इज, ये पहले जमाने की जो भी स्कल्पचर्स थे वो सब रखे गए हैं बाहर। उमा महेश्वरा, उमा महेश्वरा 12th century का है ये। अंदर हमें वीडियो करने नहीं दिया, अदरवाइज अंदर चोला डायनेस्टी के टाइम के और भी बहुत सुंदर वहाँ के बर्तन, कॉइन्स, औजार, हथियार ये सब थे, फ्रेंच के जमाने के भी बहुत फर्नीचर और क्या कहते हैं उसको, डाइनिंग प्लेट्स, यूटेंसिल्स थे, बहुत ही सुंदर, लेकिन हम उसका वीडियोग्राफी कर नहीं पाए क्योंकि वो मना किया गया था। So this is all that we can show you. Apart from that, पांडिचेरी जाके हाँ हम होटल में रुके, फिर हमने लंच भी किया। लंच हमने जब बिकॉज हमें देर हो गई थी तो हम बाहर नहीं गए लंच करने के लिए, हमने रूम सर्विस ही मंगवा लिया, और रूम सर्विस में हमने लिया प्रॉन फ्राइड राइस, और मेरी मासी जो वेजिटेरियन है उनके लिए लिया पनीर फ्राइड राइस, एंड देन वी टुक टू टाइप्स ऑफ ग्रेवी, एक तो था पॉपकॉर्न, सॉरी बेबी कॉर्न ग्रेवी, और एक था मिक्स्ड वेज ग्रेवी। तो वेज तो मासी ने खाया और हम सब ने प्रॉन
प्रॉन फ्राइड राइस और बेबी कॉर्न ग्रेवी खाया एंड देन वहां से सीधे हम चले आए यहाँ एंड दिस इज सो आई विल शो यू व्हाट दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल अभी अराउंड 2 या 2:30 बजे हैं वॉच तो मैं लाई नहीं 2 या 2:30 बजे हैं लेकिन बहुत सुहाना है आसमान में धूप वगैरह कुछ है नहीं और बिकॉज यहाँ पे इतना ज्यादा हरियाली है इतना ज्यादा हरियाली होने की वजह से धूप आती भी नहीं है जस्ट सी हाउ द लोकेशन इज एंड दिस इज पुडुचेरी म्यूजियम म्यूजियम का नाम मैं बताना भूल गई थी पहले क्योंकि म्यूजियम का नाम मुझे याद भी नहीं था बट दिस इज द पुडुचेरी म्यूजियम वेरी ब्यूटिफुल अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है हिस्टोरिकल चीजों में इंटरेस्ट है तो फिर यू कैन कम टू सच म्यूजियम्स और सबसे जो सुंदर है वो है यहाँ का रास्ता फुल ऑफ ग्रीनरी I'll see what is the next destination. I think the next destination. So the next destination जो है हमारा वो है श्री अरविंदो का आश्रम हमें नहीं मालूम आश्रम में वीडियोग्राफी अलाउड है कि नहीं लेकिन अगर आश्रम में वीडियोग्राफी अलाउ होगी तो हम जरूर वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे Alright, so अभी हम आ रहे हैं अरविंदो आश्रम में एंड दीज आर द फेमस लेन्स ऑफ पॉन्डिचेरी जब भी हम पॉन्डिचेरी के पिक्चर्स देखते हैं तो इसी तरह के दिखते हैं ग्रे और येलो टाइप के वॉल्स होते हैं उनकी बिल्डिंग्स में सो दिस इज वन ऑफ दोज लेन्स जहाँ पे आपको ग्रे और व्हाइट कलर के लेन्स मिलेंगे एंड ये औरतें दे आर सेलिंग देयर Little things, but मुझको कुछ नहीं लेना. बहुत भीड़ है यहाँ पर Maybe because ये आश्रम है तो बहुत ज्यादा भीड़ है ओके गाइस सो दिस इज द श्री अरविंदो आश्रम लेकिन शायद अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है या फिर शायद वीडियो या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो अभी मैं बंद कर रही हूँ इन केस इट इज अलाउड देन आई विल स्विच इट ऑन अगेन सो अरविंदो आश्रम में उन लोगों ने हमको फोटोग्राफी अलाउ नहीं किया सो हम आश्रम से बाहर आ गए अराउंड हमने 1 आवर आश्रम में स्पेंड किया उसके बाद हम एक छोटे से उसके बाद हम एक छोटे से अगरबत्ती के दुकान में गए एंड इट वाज अ गिफ्ट शॉप एक्चुअली एंड इट इज अ फेमस गिफ्ट शॉप हियर ऑरोशिका सो वहां से हमने थोड़े बहुत गिफ्ट्स वगैरह खरीदे फॉर रिलेटिव्स और अभी हम आ गए हैं एक सुंदर से गणेश टेम्पल में और इस गणेश टेम्पल से भी मेरे मासी लोग कुछ कुछ खरीद रहे हैं दे हैव दीज ब्यूटिफुल छोटा छोटा शॉप्स जहाँ पे गिफ्ट आइटम मिलते हैं सो दे आर बाइंग समथिंग और उसके बाद हम गणेश टेम्पल के अंदर जाएंगे और आरती वगैरह देखेंगे आई एम नॉट श्योर कि अलाउड है यानी वो वीडियोग्राफी लेकिन अगर वीडियोग्राफी अलाउड है तो आई विल रिकॉर्ड दैट Thank you.
टेम्पल के अंदर तो कैमरा और वीडियो अलाउड नहीं है, तो जाना पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के साथ, बट आप यहीं से देख लीजिए कि कितना ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लगता है ये। वैसे बिकॉज आई हैव मैंने नॉनवेज खाया हुआ है तो मुझे लगता नहीं है कि अंदर जाने देंगे कि नहीं, लेकिन अगर होगा मैं ट्राई करूंगी और अगर अंदर जा सकते हैं तो जाएंगे। और अभी हम आ गए हैं पांडिचेरी बीच में, यहाँ पे बहुत हवा चल रही है तो मुझे नहीं मालूम कि अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, बट इट्स अराउंड 5 o'clock, 5 बजे हैं, बहुत अच्छा मौसम है और बीच तो बहुत सुंदर है ही, तो मैं भी कैमरा फ्लिप कर दूंगी और आप इस बीच को देख सकते हैं, विच इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बिजी। ये जो है सामने वो मेरी फैमिली है, व्हाइट में मेरी माँ, पिंक में मेरी मासी, वो साड़ी में मेरी नानी और वो रेड कुर्ते में मेरी दूसरी मासी। और हम यहाँ स्टेप्स में बैठेंगे, मम्मी का फोटो खींच लिया, अब बैक टू बीच। जल्दी उठना है, वी हैव ब्रेकफास्ट इन हियर ओनली। और
Madurai mein we are going to have 4 spots and obviously I'm going